star SQ 7. SQ 7 ma hamro ke banaunu parne cha double column cash book banera bank ro discount ko lagaunu parne na double column cash book with bank and discount column एउटा दुईटा यसलाई पनि बनाउनु हुन्छ ओके नाउ डबल कलम विथ बैंक एंड डिस्काउंट कलम ये मैं डिस्काउंट लेखे बैंक लेखे डिस्काउंट और बैंक पैसा लेखे इसी मिला ओके अरु के भन्छ क्वेशनले सब रिसिभ र पेमेंट बैंक को मान भर भी बोला थे जैसे भी भन्न सकता जैसे पेड कमीशन मात्र होने बैंक पे कर बुझने कि एज्यूमिंग दैट ऑल रिसिभ आर डेली बैंक जति पैसा आज ते दिन टाइम में डिपोजिट कर अरे ऑल पेमेंट आर मेड थ्रू बैंक फर द मंथ अफ आश्विन 2076 हाई आश्विन को एवरी डेट को ट्रांजेक्शन पैसा आए भी बैंक में जमा कर अभी पैसा तीर्न पर्यटन बैंक पेमेंट कर खोजे तो माथि को हेडिंग ने बुझा पेड कमीशन भाई पेड कमीशन बाई चेक बुझ्दे क्या हाई ओके सुरू में ओपनिंग बैलेंस नर्मली क्वेश्चन ने ओपनिंग बैलेंस एट बैंक भाई तो डेबिट बैलेंस के भाई क्रेडिट भन्न पी ओवरड्राफ्ट भन्न पाई अल मैं ये डेबिट बैलेंस बुझे आश्विन आश्विन एक गते टू बैलेंस बैलेंस बीडी में एक लाइन मकान भन्न को मतलब इसी क्वेश्चन सुरू हो बीडी बड़ स्टार्ट हो 60,000 सेकेंड में जो कैश डिपोजिटेड इंटू बैंक इट्स योर कंट्रा एंट्री तर यहाँ कंट्रा को भैल्यू छैन क्योंकि कैश और बैंक दुबई बना छैन ओन्ली बैंक मात्र गर्नु पर्यो बैंक में कैश डिपोजिट गयो भने बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हुन्छ बैंक डेबिट भयो डेबिट साइड पट्टि गएर नाम लेखा गो टू कैश अकाउंट अमाउंट लेख बैंक में दैट इज 10,000 पर्चेज गुड्स हमें पर्चेज टू कैश लिख् पर्ने हो तर सब ट्रांजेक्शन बैंक होने पर्चेज अकाउंट डेबिट टू बैंक बैंक क्रेडिट भो क्रेडिट साइड में गए आश्विन कति गते 3 गते बाय पर्चेज बैंक मैं चेक एंट्री नगर्ने होना हाई सब करने क्वेश्चन सेफ साइड क्वेश्चन को टप में भाग सोल गुड्स फर कैश अब यह फर कैश मजा कैश टू सेल्स हुनुपर्ने हो तर त्यो आको क्याश पनि बेलुका हामी क्याश डिपोजिट गर्छौ भनिसक्यो नि त हेडिङमा त्यही भएर सबै के गर्ने बैंक टू सेल्स है 7 गते बैंक टू सेल्स गरे पनि भयो म्याम बैंक सेल्स अकाउन्ट क्याश अकाउन्ट डेबिट टू सेल्स गरेछ अनि बेलुका त्यो क्याश डिपोजिट गर्दाखेरि चाहिँ बैंक अकाउन्ट डेबिट टू क्याश वाला ट्रान्ज्याक्सन त्यो सेल्स को चाहिँ एन्ट्री नगरेर त्यो पैसा बेलुका जम्मा गर्दाखेरिको चाहिँ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश को वाला करने मैम तेरह मैं टू कैश लेख्छूँ करे हो तीन धीरे दिमाग नलाऊ भर्खर इलेवन को मानी हो ये सीधे के कराने तो कैश को अलग कहीं तुरंत बैंक में डेबिट जमा गए बुझे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स के हिसाब लजिक कर दिने हाई तिमी बैंक डेबिट भर डेबिट सेल में जाऊ नाम ने घर को टू सेल्स अकाउंट अमाउंट कैट इज 2,000 गुड्स पर्चेज पर्चेज अकाउंट डेबिट टू बैंक बुझने हाई पर्चेज अकाउंट डेबिट टू बैंक को 9 में गए बाय पर्चेज कति अमाउंट 2,000 सोल गुड्स टू राजेन्द्र क्रस कर कैश आए बैंक आए
डिस्काउन्ट आएर केही पनि होइन नि, उधारमा हो नि त मान्छेको नाम छ नि त। राजेन्द्र एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स हजार हो, त्यो इन्क्री गर्दैनौँ। पर्चेज गुड्स फ्रम गोकर्ण अन क्रेडिट अरे, पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु गोकर्ण त्यो पनि इन्ट्री गर्दैनौँ। तर अहिले यिनीहरूलाई पेमेन्ट गर्छ नि, त्यसपछि इन्ट्री गर्छौँ। ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क, यहाँ गएर अमाउन्ट लेख चौधमा ब्याङ्क इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउन्ट द्याट इज योर 5000। अब जो रिसिभ फ्रम राजेन्द्र यहाँनिर आउँछ कि, अघि हामीले उधारमा बेच्दाको नगरे पनि यहाँबाट पैसा आयो, कति आउनुपर्ने थियो राजेन्द्रबाट 1000, तर कति आयो जम्मा 970 मात्रै। अर्को कुरा भनेको ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट टु राजेन्द्र, कति कति 15 गते टु राजेन्द्र लेख्ने, राजेन्द्र लेख्ने 2000 टु राजेन्द्र अकाउन्ट, राजेन्द्रको 970 चाहिँ राख ब्याङ्कमा, 30 चाहिँ राख डिस्काउन्ट। जरुरी के हो, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, डिस्काउन्ट एलाउड एकाउन्ट डेबिट टु राजेन्द्र। अब दुवै डेबिट भयो, डेबिट साइडमा गएर नाम लेख्यो अर्काको टु राजेन्द्र, ब्याङ्कमा 970 एन्ड डिस्काउन्टमा 30। म्याम 30 त भनेकै छैन, 30 केले भन्छ, इन फुल सेटलमेन्टले भन्छ होइन। मेरो यसको अमाउन्ट लिनुपर्ने चाहिँ कति हो 1000, तर कति मात्रै लिएँ मैले 970 मात्रै, भनेपछि 30 के भयो त अटोमेटिकल्ली डिस्काउन्ट। ओके, 16 जाऊ, पेड टु फर स्टेसनरी, स्टेसनरी एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क, 16 गएर ब्याङ्क स्टेसनरी अकाउन्ट, त्यहाँ चाहिँ कति अमाउन्ट हो 2000। विथड्रन फ्रम ब्याङ्क फर पेटी क्यास, यो पनि कन्ट्रा एन्ट्री हो, तर हाम्रो कन्ट्राको यहाँ भ्याल्यु छैन, क्यास बनाएको छैन, पैसा झिक्यो अरे। क्यास एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क, ब्याङ्क क्रेडिट भयो, क्रेडिट साइडमा गएर 17 गएर ब्याङ्क क्यास एकाउन्ट, कति सानो सानो खर्च गर्नको लागि पैसा झिक्यो अरे के। अनि पे टु गोकर्ण, अघि गोकर्णको भ्याल्यु थिएन हामीलाई, हामीले के गरेका थियौँ, उसँग किनेका थियौँ, उधारोमा किने भएर त्यो रिकर्ड गरेका थिएनौँ। अब त्यो उधारोमा किनेको पैसा हामी तिर्दैछौँ अहिले, कति तिर्नुपर्ने चाहिँ 2000 थियो, अहिले कति तिर्यौँ, तिर्नुपर्ने 2000 थियो, अहिले कति तिर्यौँ 1900। गोकर्णले पायो गोकर्ण एकाउन्ट डेबिट 2000 टु ब्याङ्क, कति गते हो यो 18 गते, ब्याङ्क गोकर्ण लेख्ने, उसको अपोजिट नेम गोकर्ण, ब्याङ्कमा जम्मा मैले तिरेँ 1950, डिस्काउन्ट कति भयो है। ओके, अनि मिसेलेनियस रिसिभ, थरी थरीको सामानहरू त्यो पैसा पाएँ अरे, के केमा बाउले सबै थरी पाएँ अरे, 1919 गएर मिसेलेनियस क्या ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु मिसेलेनियस रिसिभ, अपोजिट नेम मिसेलेनियस रिसिभ, अनि ब्याङ्कमा पैसा आयो 5000, माथि एक लाइन तल डबल लाइन, माथि एक लाइन तल डबल लाइन चाहिँ डिस्काउन्टमा होइन, यसको 30 30 लेख छोडिदेऊ, यो भनेको डिस्काउन्ट अलाउड हो डेबिटपट्टिको, यो 50 भनेको तिम्रो डिस्काउन्ट रिसिभ, टोटल लेख्ने बराबर पनि नगर्ने, डबल लाइन पनि नतान्ने, डेबिटपट्टिको डिस्काउन्ट इज योर एक्सपेन्सेस, क्रेडिटपट्टिको डिस्काउन्ट इज योर इन्कम है। अब जब ब्याङ्कतिर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यतैपट्टि धेरै छ, 60, 10, 70, 72, 77, 970 हो होइन त, ओके होइन, अनि 77, 970 हुनलाई कति पुगेन, लास्ट डेट आश्विन छ, मैले 30 लेख्दै नेपालीको हामी यसै भन्न सक्दैन, 30 गते बाई ब्यालेन्स सिडी कति एमाउन्ट भयो 77, 970मा, माथिको भाग घटाउँदैछौ, कति आउँछ 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1920 हो एन्सर चाहिँ थोरै रहेछ नि, त्यो टेन्सन भा, ठिक छ, नो प्रब्लम, हाम्रो चाहिँ एन्सर आयो त्यो राइट करेक्ट, उसले किन दिँदैन एन्सर,
ओके सो आश्विन पछि कार्तिक एक मा टू ब्यालेन्स बिडी गर्दियौ डिस्काउन्ट को बिडी गर्नु पर्दैन बैंक को मात्र 62920 90 ठीक छ हैन उले उल्टो गरे हो के 2 लाई चाहिँ पछाडी राखेर 6 लाई हामी 9 लिदा काट न त्यसलाई काट त्यो 6 लाइन पनि उल्टो गरेर 9 गरे 2 चाहिँ छ अलरेडी लगभग लगभग आन्सर मिले जस्तै दिएको छ उले 62920 ले यसको आन्सर आन्सर गलत छ यसको है त ल केही क्वेशन छ थ्याङ्क यू